दोस्तों स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बिजली के कोई भी काम करते वक्त आप इस सर्किट की MCB गिरा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों क्या बात है, कई बार हमारे समस्या ये आती है कि ये देखिए जैसे ये बिजली का बोर्ड था, तो ये इसके जो दोनों साइड के जो शॉकेट है जिसमें कि हम पेज को लगाते हैं वो टूट गया है, सीलन की वजह से, पानी की वजह से, या जो भी वजह है बार बार खोलने बंद करने की वजह से। तो इसको हम क्या करें कि ये ठीक हो जाए, इसके लिए दोस्तों मैंने जब अपने हार्डवेयर वाले से या जो मिस्त्री से बात की तो उसने कहा कि आपको ये नया लगाना पड़ेगा। नया लगाने में देखिए दोस्तों कि यहाँ टाइल लगी हुई है, ये सारी टाइल आपको तोड़नी पड़ेगी, तोड़ने के बाद ही इसका कुछ उपाय हो सकता है। तो ये काफ़ी खर्चा काफ़ी महंगा पड़ जाएगा सिर्फ एक बोर्ड लगाने के लिए। अब इसमें जो है यहाँ पर जो पेच लगा होता है बोर्ड में, देखिए वो टूट गया है। तो इसके लिए बहुत ही एक आसान घरेलू और सटीक उपाय मैं लेकर आया हूँ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों इसके लिए जिस चीज़ की जो ज़रूरत है वो देखिए कितना आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसके लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ इन दो चीज़ों की। ये दो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक MCL है, दूसरा जो है आपको पेज को कसने के लिए जो हम ड्रिल करके इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक वाली, वो है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये MCL को खोलने के बाद इसमें से जो दो कंपोनेंट निकलेंगे, इसके जो दो चीज़ें निकलती है, दोनों को लेके अच्छे से आपको मिला लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके दो हिस्से बना लीजिए। दो हिस्से बना के इस तरह से बना के एक हिस्सा जो है आप ये एक जो पेच वाला जो फासोल है प्लास्टिक का, इसके ऊपर इस तरह से लपेट दीजिए और इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से पे भी। इस तरह से लपेट दीजिए। इसको लपेटने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि जहाँ आपका ये पहले पेच लगता था उसमें ये पेच वाले हिस्से को आगे की तरफ करके इसको देखिए कैसे इस तरह से लगा देना है। इस तरह से अच्छे से आपको सफाई से लगा देना है। मैं आपको एक बार अच्छे से लगा के दोनों साइड में लगा देना है जहाँ जहाँ आपका पेच लगता है। देखिए दोस्तों मैंने किस तरह से ये अच्छे से फिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये एक साइड का है। और ये दूसरी साइड का आप देख सकते हैं। इस तरह से आप सफाई से इसको फिक्स कर लीजिए। ये दूसरी साइड वाला भी देख सकते हैं, इसको फिक्स कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों साइड में हमें पेच लगाने की जरूरत पड़ जगह बन गई है। अब इसको कम से कम एक दिन के लिए आप अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। दोस्तों इसी के लिए आपको मार्केट में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं कि बोर्ड तोड़वा के नया लगवाना, उसमें आपका मिस्त्री का खर्चा, बोर्ड का खर्चा और इलेक्ट्रीशियन के जोड़ने का खर्चा, इसके द्वारा आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों एक दिन बाद ये कितना बढ़िया से एकदम चिपक गया है जो हमने MCL लगाया था, और एकदम ये सॉलिड वो बन गया है जिसमें हम आसानी से पेच लगा सकते हैं। मैं अभी आपको बोर्ड टाइट करके भी दिखाऊंगा। दूसरी तरफ भी देखिए कितना बढ़िया से चिपक गया है। तो इस तरह से आप जुगाड़ करके अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अब देखिए इसको हम बोर्ड को कैसे लगाते हैं।
दोस्तों ये हमारा जो बोर्ड था इसको हम ये, अब इसमें ज़रूरी नहीं है आपको कोई स्पेशल पेज लगाना हो, क्योंकि जो हमने यहाँ पे ये प्लास्टिक का लगाया है इसमें नॉर्मल जो घरों में ड्रिल करने के बाद हम लोग पेच लगाते हैं वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए इसको लगाते हैं। सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो बिजली कनेक्शन बंद नहीं करें तो करंट लगने का चांस हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप कनेक्शन को बंद कर दीजिए और इसको धीरे धीरे तारों को बिल्कुल पीछे की तरफ करके और आप पेच लगा सकते हैं। देख सकते हैं पहले दोनों पेचों को हमने फंसा लिया, अब धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे। पेचकस की मदद से इसको धीरे धीरे दोनों साइड से टाइट कर लीजिए। देखिए दोस्तों एकदम ये बढ़िया से सेट हो गया है और आपको 5 से 10 रुपए का खर्चा आया है, जिसमें आपने पूरा एक टाइल टूटने का खर्चा बचा लिया, ये नए बोर्ड का खर्चा बचा लिया जो अंदर का था जिसमें कि पेच लगाने की समस्या थी, और मिस्त्री का खर्चा बचा लिया। तो दोस्तों ये छोटा सा जुगाड़ आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। अगर आपके वीडियो पसंद आई हो और आपके इससे कुछ लाभ मिलता हो तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।